हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। भारत बनाम आयरलैंड के बीच मुकाबला होना है, तमाम अपडेट्स हमने आपको जरूर दिया है, लेकिन मुकाबला जो है उस मुकाबले को लेकर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है, वो प्लेइंग 11 को लेकर है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खबर क्या आ रही है। जी आपको बता दें कि खबर जो है वो है हार्दिक पांडे कप्तानी में खेलने वाली भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में दो T20 मुकाबले खेलेगी और उस दोनों T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। लेकिन अब दो T20 मुकाबलों के लिए वो प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम होंगे उनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इस बीच आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर निगाहें भी रहेंगी और जिन्हें मौका देने की लगातार कवायद भी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और वो नाम होगा पहला नाम संजू सैमसन का। जी हाँ, IPL में शानदार कप्तानी जरूर की है संजू ने, अपने टीम को लगातार हौसला अफजाई करते हुए दिखाई भी दिए और इस सीजन ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स की टीम कप जीतेगी, लेकिन कप्तान के तौर पे संजू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और खिलाड़ी के तौर पे भी प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ा नाकाफी साबित हुआ प्रदर्शन। लेकिन अगर बात करें T20 मुकाबलों की, अगर बात करें टीम इंडिया में संजू की जगह की, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था रोहित शर्मा ने कि संजू जो है वो हमारे साथ वर्ल्ड कप तक का सफर जो है वो उसके हिस्सेदार रहेंगे और उसके बाद संजू के फैंस खासे उत्साहित भी नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर संजू को खेलने को लेकर खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि संजू को आप प्लेइंग 11 में देख सकते हैं आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दो T20 मुकाबलों में। और उनके साथ एक और नाम है, वो है स्काई का, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि संजू के साथ साथ प्लेइंग 11 में स्काई भी दिख सकते हैं। जी आप सोचिए कितना दिलचस्प होगा, एक तरफ संजू भी होंगे टीम में, स्काई भी होंगे, हार्दिक पांडे कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ दो T20 का मुकाबला भी है। तो एक तरफ जहां संजू सैमसन और स्काई के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आयरलैंड के खिलाफ दो T20 के प्लेइंग 11 में इन दोनों खिलाड़ियों के नाम रहेंगे, तो वहीं पे आयरलैंड के खिलाफ स्क्वाड में एक और खिलाड़ी का नाम शामिल हुआ था और वो नाम था राहुल त्रिपाठी का। और राहुल त्रिपाठी का नाम जिस तरीके से IPL में 400 से ज्यादा रन इस सीजन में भी राहुल त्रिपाठी ने बनाए हैं और कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं का जो है वो आकर्षण रहा है राहुल त्रिपाठी के प्रति। लेकिन आप सोचिए कि एक प्लेइंग 11 में स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद जब प्लेइंग 11 की चर्चा होती है तो उसमें एक तरफ जहां संजू का भी नाम आ रहा है, जहां पे स्काई का भी नाम आ रहा है और साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी का भी नाम आ रहा है, दीपक हुडा भी है, तो एक वक्त में ऐसी खबर आ रही थी कि दीपक हुडा को ज्यादा तरजीह दी जाएगी क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मुकाबले खेलेंगे जिसमें दीपक हुडा स्क्वाड में थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला था और उस बिहाफ में हक की बात आई थी कि सबसे पहला हक जो है दीपक हुडा का बनता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आपको संजू सैमसन और स्काई की जोड़ी जो है वो प्लेइंग 11 में दिख सकती है आयरलैंड के खिलाफ, तो सोचिए कि एक टीम में इतने सारे स्टार खिलाड़ी होंगे तो फिर आयरलैंड को पार पाना मुश्किल जरूर होगा। आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और स्काई जब प्लेइंग 11 में शामिल होंगे तो फिर भारतीय टीम यानी कप्तान जो है हार्दिक पांड्या के लिए कितना आसान हो जाएगा आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मुकाबलों में जीत हासिल करना? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या प्लेइंग 11 में संजू और स्काई को अगर मौका मिलता है तो आपके लिए क्या वो सही साबित होगा या फिर राहुल त्रिपाठी या दीपक हुडा को खेलने का मौका मिलना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।